रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। कैमूर जिले के कर्मनाशा बाजार स्थित नहर पर सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति के थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, देश और राज्य में सरकार उसी की बनेगी जिसे सुहेल देव का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को पटना गांधी मैदान में सुहेल देव के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी ताकत दिखाई जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उठा के देखो, अपने बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में नाई का, गोण का, पाल का, प्रजापति का, राजभर का, भीम का बेटा किसी थाने में खोजो, देखो कहीं दरोगा मिलेगा? इतना जागरूक यूपी है, वहां तो मिलते ही ना, हमें कहीं कहां से मिली। खबर कैमूर से है, जहां भगवानपुर में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घोषणा किया कि कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड अधौरा में 4 मंडियां बनेंगी, कृषि से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की समस्या का समाधान होगा और किसानों की आय दुगनी होगी। हम इनमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं। अधौरा में कोई मंडी जाते हैं कभी कभी तो उसकी मंडी कहीं नहीं है। आदिवासी भाई लोग आते हैं, कहीं खड़ा हो जाते हैं और उनका उन्हें पौने बिक जाता है। तो हम पूरा अधौरा में 3 से 4 जगह, एक तो हम बनाएंगे मकरी खोल में ही नीचे ही मंडी सब्जी बेचने वालों को, जहाँ व्यापारी आएगा और किसान आएगा, सामान बिकेगा, ट्रक पर लोड होगा, चला जाएगा, रोड लगा करे कि किसान अपने फसल का उत्पाद बेच सके। हम वन विभाग से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि जो हमारे फसलें हैं वन उपज, उसको बाजार में बेच सके, इसके लिए भी हम काम में लगे हैं। लखीसराय के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामपुर चानन में आशा की मासिक बैठक नुसरत प्रवीण की देखरेख में की गई। इस दौरान राकेश कुमार बीबीडीएम वेक्टर वॉर्न डीसी सुपरवाइजर बीसीएम नुसरत प्रवीण एसओआईसी रौशेक कुमार केयर इंडिया के द्वारा सीएससी चानन में फाइलेरिया का एमएनडीपी किट का वितरण किया गया। इस किट को लेने इटौन से सुकनी देवी, कुंदर पंचायत रेवटा से नरेश साव, लगनी देवी समेत अन्य लोग पहुंचे, तो वहीं दी गई जानकारी में कुल 50 कीटों का वितरण किया गया। खबर भागलपुर से है, जहां नाथनगर का पूरा थाना परिसर बारिश में होते ही पानी में तैरने लगता है। दरअसल ये थाना परिसर जर्जर भवन में चल रहा है, जहां की छत गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि वहीं के एक जवान ने वीडियो बनाकर इस थाने का वीडियो वायरल किया है। वीडियो ने नगर निगम व पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बारिश होने पर थाना के कमरे में पानी टपकता है, पुलिसकर्मी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इधर इस मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि भवन का प्रस्ताव किया हुआ है, सरकार की तरफ से निर्णय होते ही काम चालू हो जाएगा। पूरे देश भर में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं नवादा में भी प्रसिद्ध सूर्यघाट मंदिर में कलश स्थापित किया गया, जिसके साथ ही मां दुर्गा की आराधना शुरू की गई। पहले दिन मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा प्रतिष्ठा की जा रही है। इस बार नवरात्रि पर बेहद खास है, क्योंकि देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है।
भागलपुर के पीरपैथी प्रखंड के रिफातपुर स्थित प्रसिद्ध जंगली नाथ महादेव मंदिर के दरबार में बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विशेष रूप से श्रावण के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा हर सोमवार और शुक्रवार को सैकड़ों श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। वहीं कच्ची सड़क न होने के कारण श्रद्धालुओं को बाबा के दरबार तक पहुँचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ माह पहले इसी कच्चे रास्ते में श्रद्धालु को लेकर आ रही एक ऑटो पलट जाने से कई श्रद्धालु घायल हो गए थे, मगर इस ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद का ध्यान नहीं गया। लखीसराय में मासिक भंडारा का भव्य आयोजन किया गया। इस भंडारे में भागलपुर शाखा संयोजक और गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी संसदानंद जी ने कहा कि भक्ति करने के लिए भक्ति सूत्र में समझना होगा। भक्त बनने के लिए भक्ति का सूत्र प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं महाराज श्री ने भक्ति के 5 सूत्र बताए। साथ ही इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आरा के भोजपुर में जमीनी विवाद में खूनी रंजिश का खेल निरंतर जारी है। ताजा मामला कृष्णगढ़ ओपी थाना क्षेत्र के पीपरपति मुन्ना ईट भट्टा के समीप का है, जहां दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कृष्णगढ़ ओपी थाना की पुलिस ने एक मस्केट, एक कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी नारायण यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में वहाँ पे आज एक वारदात रिपोर्ट हुआ कि दो पक्ष आपस में ईंट भट्टे पर, पीपरपाती में ईंट भट्टे पर उस जगह पर लड़ रहे, झगड़ रहे और एक फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई। उसके आधार पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति नारायण की गिरफ्तारी की है, जहाँ से 2 हथियार भी बरामद है और दोनों हथियार की तस्वीर भी इसमें रखी गई है। प्रदर्श अभी आपके समक्ष में रखे जाएंगे और उनके साथ में 4 गोली भी बरामद किया गया है। नालंदा के ताजू बिगाह गांव में घर के बाहर खेलने के दौरान पईन में डूबने से 5 वर्षीय मयंक की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजन ने बताया कि मयंक घर के बाहर अकेले खेल रहा था, जहां घर के पास ही पईन गुजरी है, जिसके बाद खेलते खेलते बच्चा पईन में जा गिरा, जिसमें डूबकर मासूम की मौत हो गई। बच्चे की जब खोजबीन की गई तो उसका शव पईन में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। वहीं मृतक 2 बहनों का एक लौता भाई था, जिसकी मौत की खबर से घर वालों में कोहराम मच गया। वहीं मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, घर नहीं लौटा, उसके बाद आप लोग खोजबीन किए, पैन में बच्चा था। आरा कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया दुर्ग टोला सड़क के बीच इटहना गांव के समीप एक ईंट लदी ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि मृतक अपने चचेरे भाई के साथ बाजार दुर्गा पूजा का सामान खरीदने जा रहा था, तभी बड़ा हादसा हो गया। वहीं मौत की खबर सुनते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पार करने के दौरान एक बुजुर्ग को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। बता दें कि बुजुर्ग पहियों के बीच फंस गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटना को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गाड़ी नंबर के आधार पर वाहन मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है।
नालंदा में किशोरी ने हौसले का परिचय देते हुए मुहाने नदी में डूब रही अपनी तीन सहेलियों की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पाई और डूबकर उसकी मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद मौके पर कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर इस्लामपुर हुलासगंज मुख्य मार्ग पर शव को रखकर थोड़े समय के लिए जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुआवजे का आश्वासन दिलाकर जाम को छुड़ाया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अच्छा, उसी के बचाने गया, तीनों बच्चे के बचा लिया अपने आप। हाँ, तीनों वही सब बच्चे के बचा। अच्छा, वही हल्ला किया। नालंदा में ऑनलाइन शॉपिंग करना एक युवक को महंगा पड़ा है। पार्सल में मंगाए गए ड्रोन की जगह आलू निकला। इस नजारे को देख युवक दंग रह गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित बाजार निकासी ज्वेलरी का व्यवसाय करने वाला चैतन्य कुमार है, जिन्होंने मीशो कंपनी से DJI का एक ड्रोन कैमरा ऑनलाइन बुक कराया था और उसी समय उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी थी। डिलीवरी बॉय सामान की डिलीवरी करने पहुंचा तो व्यवसायी को संदेह हुआ। डिलीवरी बॉय ने जैसे ही पार्सल को खोला, उसमें 10 पीस आलू निकला। इस मामले में परवलपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें इस मामले में अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नालंदा में पंचाने नदी के नहाने के दौरान छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई पानी में डूब गया, जिसकी तलाश में ग्रामीण गोताखोर लगे हुए हैं। बताया गया कि छोटा भाई नदी में नहाने चला गया, जिसे गहरे पानी का अंदाजा नहीं था और वह डूबने लगा। इसी बीच बड़े भाई ने भी छलांग लगा दी। दोनों भाइयों को डूबता हुआ देख सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिनमें से कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगाई। नदी में डूबे किशोरों की तलाश की, लेकिन गहरे पानी की वजह से किशोरों का कुछ अता पता नहीं चल सका। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। घटना बिहार शरीफ प्रखंड के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरई गांव का है। लापरवाही, इसमें 10 लोगों से ऊपर डूब करके मर चुका है सर। कितने साल हो गए? 8 साल पहले, अगले साल भी एक लड़की डूब करके मरी सर। जब पानी आती है उसके बाद में इसमें कुछ न कुछ घटना हो ही जाता है। हर साल मालूम कुछ न कुछ घटना होते जाता है। सरकार इस पर कोई अथि नहीं दे रहे हैं। जब घटना हो जाती है तो उन्होंने बोलते हैं कि कैसे हुआ, हम ही लोग जनते पर उन लोगों ने अति करते हैं। बिहार के सहरसा जिले के कांप लक्ष्मणिया गांव में ग्रामीणों ने 6 युवकों को हथियार के साथ पकड़कर खूंटा से बांधकर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने बंधक बने हुए युवक को पुलिस को सुपुर्द किया। साथ ही थाना अध्यक्ष ने बताया कि ये वायरल वीडियो बीते शनिवार का है और ग्रामीणों के द्वारा 6 युवकों को सुपुर्द किया गया, जहां युवकों के पास से एक देशी कट्टा, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और ग्रामीणों के द्वारा 4 युवकों के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जहानाबाद नगर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट स्टेशन गुमटी के पास से लग्जरी कार व रांची पटना यात्री बस से अलग अलग ब्रांड की लगभग 472 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में बस के चालक खलासी एवं लग्जरी कार टाटा नेक्सस में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों के पास से 77,000 रुपए नगद भी बरामद हुआ है। तो वह इस मामले में बस के चालक खलासी एवं एक लग्जरी कार से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। कार एवं बस में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जहानाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कार एवं बस में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कार एवं बस में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जहानाबाद में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कार एवं खबर कैमूर से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को एसडीएम के द्वारा चुनाव चिन्ह बांटा गया। बता दी कि 10 अक्टूबर को पहले चरण में कैमूर में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसे लेकर कैमूर में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है, ताकि मतदान करने में किसी भी मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिकारियों द्वारा जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं भभुआ एसडीएम साकेत कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी को उनका चुनाव चिन्ह दे दिया गया। हमारे मुख्य पार्षद के लिए 19 कैंडिडेट हैं। पहले 20 ने नामांकन किया था, एक अभ्यर्थी वापसी हो गया। 19 कैंडिडेट, 19 कैंडिडेट को नामांकन चिन्ह हम लोग को अलॉट कर दिया गया है। एक के लिए कलम दावा, ढोलक, टेम्पू, वायुयान, इस तरह से हमें कुल 36 सिंबल है सीरियल वाइज अलॉट करना था। हम लोगों ने 19 अभ्यर्थियों को अलॉट कर दिया है, बाहर नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया। उन लोगों को 6 की प्राप्ति भी दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।